बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देसी उगाओ, देसी खाओ, अपनी खेती आप उगाओ। खीरा, तार और कद्दू की ये पनीरी बीज से बनाई। पनीरी भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। गमलों की बजाय ही मैं क्यारी में पनीरी जल्दी और सेहतमंद होती है। लगाने का वक्त फरवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई है। बेल बनती हैं, इसलिए ज़मीन में वहाँ लगाएं जहाँ सहारे पर चढ़ जाएं। फासला मुनासिब रखें। गमले क्रेट में एक पौधा ही काफ़ी है। अगर पौधा अच्छा होगा तो आपको फल भी अच्छा देगा। हार्वेस्ट टाइम 50 से 70 दिन। धूप वाली जगह का इंतखाब करें। मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करें। पानी ज़मीन की सतह खुश्क होने पर दें। ये रेड पम्पकिन बीटल है। ये मक्की फसलें तैयार होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा होती है। और पनीरी, ख़ास करके खीरा, कद्दू, तोरी, टिंडा, खरबूजा वगैरह के पत्तों को खाती है। आपको पत्ते खाए हुए नज़र आ रहे होंगे, इन पत्तों को उतार दें। इसका इलाज नीम वाला स्प्रे है, या फिर मैं तो इनको चुन चुन कर मारता हूँ। अब तो जैसे ही किचन गार्डन में दाखिल हो तो ये इधर उधर छुपने लगती हैं। फसलों की कटाई तक तंग करती रहेंगी और मरती रहेंगी। फीमेल 500 के करीब अंडे देती है और इसकी ज़िंदगी 10 माह तक होती है। दूसरा तरीका इनको कंट्रोल करने का, वुड ऐश हाफ कप चूना 4 लीटर पानी में मिक्स करके कुछ घंटों के लिए रख दें और फिर उस पानी को इस्तेमाल करें। ये अगर आपके किचन गार्डन में है तो फसल हासिल करने के बाद ज़मीन को 1 से 2 महीने खाली छोड़ दें और पौधों को उतार कर जला दें। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इनके इस्तेमाल से इस तरह स्प्रे बना सकते हैं, वुड ऐश, चूना और पानी। आधा कप वुड ऐश, आधा कप तकरीबन चूना 4 लीटर पानी में मिक्स करके छोड़ दें कुछ घंटों के लिए। अगर सुबह के टाइम इनको मिक्स करें और फिर शाम तक छोड़ दें। और वैसे भी स्प्रे का बेहतरीन वक्त शाम को ही ठीक रहता है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर आप इनको चुन चुन के मारें और नीम और डिश वॉश वाला स्प्रे इस्तेमाल करें और शाम को एक दफ़ा फिर इसको डंडे से हिला लें। और हिलाने के बाद आप इसको कपड़ा बारीक मलमल का उसमें इसमें से छान कर पानी निकाल के फिर स्प्रे करें। इससे ये आपकी स्प्रे गन की नोज़ल में फंसेगा नहीं। ये स्प्रे पौधे पर, पत्तों पर और ज़मीन पर करना है। अब कुछ थोड़ी सी बात हो जाती है इनके फ़वाद की। ककड़ी तार, इरशाद बारी ताला है, दुआ कीजिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए जो कुछ उगता है ज़मीन में, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज में से। सूरह अल बकरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर ककड़ी के साथ मिलाकर खाते हुए देखा है। ककड़ी में पानी, प्रोटीन मामूली मिकदार में, चिकनाई, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, विटामिन सी और ए पाए जाते हैं। ककड़ी प्यास को बुझाती है, सफरा की हरारत और सोजश को दूर करती है, खून की हदत और सोजश जिगर और मैदे को तस्कीन देती है, मसाना और गुर्दे की पथरी को तोड़ती है। तलख ककड़ी इस अमर से ज़्यादा नाफे है। मिलियन शकम होने के साथ साथ भूख पैदा करती है, बदन को फरवा करती है, दिलो दिमाग को फरहत पहुंचाती है। तपतिक में इसका पानी निकाल कर पिया जाता है। खीरा। कुदरत ने जहाँ हमें बेशुमार गज़ाइत से भरपूर फलों, सब्ज़ियों और दीगर नियमतों से नवाजा है, जिनका इस्तेमाल अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुरू कर दें तो यकीनन हम बेशुमार बीमारियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। खीरे का शुमार भी गज़ाइत से भरपूर एक सब्ज़ी में होता है और आम तौर पर इसका इस्तेमाल खाने के साथ सलाद के तौर पर किया जाता है। ताहम कुदरत ने इसमें भी
हमें बेशुमार गज़ाई अज्जा से नवाजा है जो जिस्म को मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों से बचाते हैं। आज हम आपको खीरा के कुछ फ़वाद बताते हैं। जिस्म में पानी की मकदार को पूरा करने के लिए खीरे में 95% पानी होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पानी की मकदार को कम नहीं होने देता और इसका रोज़मर्रा इस्तेमाल हमारे जिस्म में ना सिर्फ पानी की ज़रूरत को पूरा करता है बल्कि इसके अलावा जिस्म के लिए दीगर ज़रूरी विटामिन भी फराहम करता है। जल्द की बीमारियों के लिए बहुत से अफराद अपने चेहरे के हवाले से बहुत हसास होते हैं और ख़ास तौर पर ख्वातीन, वो तो इसकी निगहदाश्त में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो खीरा खाएँ, इससे ना सिर्फ आपकी जल्द की खूबसूरती बरकरार रहेगी बल्कि ये आँखों की सूजन और इसके गिर्द स्याह हल्कों को भी ख़त्म करता है। अगर खीरे को आप थोड़ी देर अपनी आँखों पर रख लें तो इससे सूजन के साथ साथ आँखों पर बनने वाले स्याह हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे। सरतान से बचाव, खीरे में मौजूद 3 अकसाम के अज्जा इंतहाई आम हैं और तहकीक से बात सामने आई कि इन तीनों अज्जा की वजह से सरतान की बहुत सी अकसाम का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मुँह की बदबू और जरासीम ख़त्म करने के लिए अगर आप खीरे का एक गोल टुकड़ा अपने होठों या मुंह पर रख कर 30 सेकंड तक ज़बान से मसलें तो इससे ना सिर्फ मुंह में मौजूद बहुत से अकसाम के जरासीम का खात्मा मुमकिन है बल्कि ये मुंह से आने वाली बदबू को भी ख़त्म कर देता है। वज़न में कमी, दुबला या स्लिम नज़र आना हर ख्वातीन का ख्वाब है। इसके लिए ख्वातीन तरह तरह के जतन करने में मसरूफ़ नज़र आती हैं लेकिन खीरे में इस मसले का हल भी मौजूद है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो वज़न में कमी चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो खीरे का इस्तेमाल करें, जबकि खीरे का इस्तेमाल कब्ज़ की बीमारी से छुटकारे में भी मददगार साबित होता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। खीरे का रस लबलबे को इंसुलिन बनाने में मददगार साबित होता है जो कि शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई आम है। खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जबकि तहकीक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी खीरा अहम किरदार अदा करता है।